हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री पार्ट टू में आपका स्वागत है। इसके आगे के हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट साइंटिफिक क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप जाके द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, देखते हैं आप नेक्स्ट वीडियो उसके आगे का। वह ताप जिस पर द्रव उबलकर वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और हमेशा ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट की स्टेज जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से चालू होती है, और 100 डिग्री से जरा सा भी ऊपर का तापमान होता है तो वो क्या हो जाता है, वेपराइजेशन, क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और 100 पे क्या हो जाता है, बॉइल वाटर जो है बॉइल होता है। वायु बारह पूछते हैं, वायु एक क्या है, मिश्रण है। ध्यान रखना, वायु एक मिश्रण है। और ताप बढ़ने पर विलयन की घुलनशीलता हमेशा बढ़ जाती है। जैसे चीनी शक्कर चीनी चीनी का घोल रखते हैं पानी के अंदर, तो चीनी घुलना बंद हो जाती है, जिस कारण से अपन क्या देते हैं उसको ताप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, चीनी और घुलनशील क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देन बाउस टाइम पे बार बार पूछते हैं, खोज करता। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किनने करी है, जे.जे. थॉमस। सबसे पहले देख लेते हैं, एक केंद्रक रहता है, केंद्रक में रहता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद रहता है केंद्रक में न्यूट्रॉन्स रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मोस्ट टाइम पे बार बार पूछते हैं, हमें मालूम इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, बट इसमें यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कुछ बुकों में, स्पीडी में या फिर लुसेंट जो है उसमें अलग अलग दे रखते हैं। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे.जे. थॉमसन ने करी, मगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो किसने बताया है, हमेशा ध्यान रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है। किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद आता है प्रोटॉन की खोज किन्ने करी, गोल्डस्टीन ने। अब प्रोटॉन पर हमेशा ध्यान रखना, प्रोटॉन की खोज किन्ने करी है, गोल्डस्टीन ने, यूं बताया जाता है, मगर प्रोटॉन की वह पॉजिटिव चार्ज बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया था प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, किसने बताया था, गोल्डस्टीन ने। बाकी प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। तो ये चारों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होना, मोस्ट टाइम भी बार बार पूछते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कितना बताया, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे.जे. थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब उसके बाद पूछता है, न्यूट्रॉन्स की खोज करी चैडविक ने, बार बार पूछते हैं। अब पांच चीजें मैं बताना चाहूंगा कि नाभिक नाइट्रोजन, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों की खोज किन्ने करी, रदरफोर्ड ने। ये आप आईएमपी कर लेना, एक जगह से आपको पांचों चीजें मिल रही है, नाभिक एन नाइट्रोजन का एम, और अल्फा बीटा और गामा, तीनों चार पांचों चीजों की खोज किन्ने करी, रदरफोर्ड ने करी। फिर उसके बाद आता है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बाबा पूछते हैं कि परमाणु क्रमांक मतलब क्या, एक सिक्वेंशियल किसने बताई, मोस्ले ने। आधुनिक आवर्त सारणी, न्यू प्रेडिक्टेबल भी मोस्ले ने बताई। और फिर परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया है, परमाणु का सिद्धांत जो दिया एटॉमिक, तो जॉन डाल्टन। आवर्त सारणी जी ये कौन सी, ओल्ड वाली, ये मेंडलीफ ने बताई थी, और आधुनिक आवर्त सारणी करके आया तो आप ध्यान रखना मोस्ले ने बताई है। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुलर ने बताया गया, पीएच स्केल जो हम देखते हैं अम्लीय या क्षारीय, तो किसने बताया, सारेलसन ने बताया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसका एक मैं कोड बताना चाहूंगा, देखिए सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम और कैल्शियम सबकी खोज किन्ने करी, डेवी ने। अब इसका कोड याद रखना, डेवी नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या MPPSC की एग्जाम निकाली, MPPSC की एग्जाम निकाली, 1 2 3 4। अब देखो सबसे पहले आता है एम, एम से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, पी से क्या हो गया, पोटेशियम हो गया है, देन एस से क्या हो गया है, सोडियम हो गया है, और सी से क्या हो गया है, कैल्शियम। तो ध्यान रखना MPPSC, डेवी नाम के एक व्यक्ति ने MPPSC की एग्जाम निकाली, एम से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, पी से पोटेशियम, एस से सोडियम और सी से कैल्शियम, ये पांचों ये चारों नाम याद रखना, डेवी ने क्या करा, MPPSC की एग्जाम निकाली। देन रेडियो, रेडियो रेडियम की खोज किन्ने करी, क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने। हाइड्रोजन की खोज है केविडिश ने, आर्गन की खोज है रेमजे ने करी है, और ऑक्सीजन बार बार पूछते हैं, ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले ने करी है, ऑक्सीजन की खोज किन्ने करी, शीले और प्रिस्टले ने। ये थे आपके टोटल पॉइंट हो गए, अराउंड 50 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा इससे ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद करेंगे,
करीब हर एक लेक्चर में 50 से 60 क्वेश्चन याद कराने की कोशिश करूंगा। ये थे आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक जरूर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, द UPSC फ्रेमिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।